इससे पहले भी मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बोले कुछ नहीं वो ऐसे होगा होगा, लेकिन मुझे इतने डेंजर खुजली आती थी ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब वो मुझे सूट ही नहीं हो रहा था एक्चुअल में। लेकिन कसम से ऐसी गलती आप भी मत करो, मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाओ, कि पैसे में तो कभी कमी जाती नहीं। हाँ हालांकि यहाँ हम गए, हमारा बिल कितना हुआ था, 3000 हुआ हमारा टोटल, मतलब टोटल 3000 कौन सा, जैसे कि दो एक्सरे हो गए हमारे, डॉक्टर की फी और मेडिकल का पूरा सब पकड़ के पूरे 3000 हमारे हो गए। लेकिन कैसा वो एक साथ चले गए, जल्दी अपने को ठीक हो जाएंगे अपन, तो उस हिसाब से। और इनके पास तो एक दिन छोड़ के जा, वो पलटा बांध के रखो ना, वो तकलीफ कम नहीं होती, बस वो खुजली ना पता नहीं अल्लाह क्या क्या मेरे को हो रहा था। तो कसम से मतलब एक सबक मिल गया कि ऐसा दवा बचाने के चक्कर में मैं जा रही थी, लेकिन वो बहुत मैंने डिसीजन गलत किया। जो एक हफ्ता मैंने बेड पे निकाला वो शायद नहीं निकाल पाती मैं, खैर इतने में अच्छी भी हो गई होती है ना, तो वो मेरे से गलती हो गई। प्लीज आप लोग ये गलती कभी मत करो। और दूसरी बात, मैंने जरा सा शॉर्ट लिया है, वो वीडियो के आखिर में देखो कि हम लोग गए हमने क्या किया क्या है। थोड़े से हमने मजे भी, देखो गोलियां देखो देने के लिए टप्पे हुए मेरे पास। सुबह का मेरे दो ही गोली है अभी के लिए, इसके बाद फिर क्या बोलूं। और हाँ ये लोग नोटिस करेंगे मैं गोली किसी अजीब ले रही हूँ, मैं पहले पानी लेती हूँ उसके बाद टैबलेट डालती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, और मैं एक टैबलेट खाती हूँ ना मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मुझे यहाँ अटक गया है, तो मैं गोली इसी तरह से खाती हूँ स्टार्टिंग से। वो मुझे पहले गोली डालो, पहले गोली डालो और फिर पानी पी लो, मुझसे नहीं होता मैं तो वोमिट कर दू, इसके लिए मैं पहले पानी लेती हूँ उसके बाद गोली लेती। तो बस अब मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ और यहाँ अल्लाह हाफिज कर देती हूँ। अभी देखते हैं और क्या करना है, अभी जेल लगाएंगे और ये सब लगाएंगे दोनों पैर को, अभी ये सब होना है। और ये उन्होंने कहा है दिन रात लगा के रखो आज के लिए, मतलब रात में भी कर दिया था इसके लिए एक बार था, रात में हमने एक ही किया था, और रात में हम 12 बजे घर पे पहुंचे और मजा आया। अरे हाँ सबसे बड़ी बात तो बोलना भूल गई, हम लोग पार्कर कैसे गए थे पता है, नागिश ने ओला किया, क्योंकि क्या हुआ ना मेरे पैर में सूजन वगैरह बहुत ज्यादा है ना, दर्द ज्यादा है ना, तो उसकी वजह हम ना हमारी गाड़ी में नहीं गए, क्योंकि हमारी गाड़ी की हाइट ज्यादा थी तो मुझे उसमें ना प्रॉब्लम हो रही थी बैठने के लिए वगैरह। तो फिर दानिश ने टाइम पे ये तय किया कि नहीं हम ओला से जाते, फिर हमने यहाँ से ओला किया, ओला पता है 2600 रूपए सिर्फ यहाँ से जाके आने के लिए 2600 रूपए ओला वाले ने लिए, लेकिन कैसा वो अच्छा रहा, हम मस्त दोनों फुर्सत से रहे। तो इसके लिए भी मैंने वो भी कुछ शूट नहीं लिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब ड्राइवर था वगैरह, और रात का टाइम में क्या शूट कर दी थी, और पालघर जाना था क्या, घाटी दिखने वाले थे। तो इसलिए कुछ शूट नहीं किया बस, लेकिन अभी आखिर में देखो थोड़ा बहुत कुछ लिया है। चलो अल्लाह हाफिज, दुआ करो प्लीज, दुआ करो अल्लाह हाफिज। देखो दानिश मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं, दुआ के बदले में दानू को क्या क्या चाहिए दुआ में बताओ, जो तुमको चाहिए वो दुआ दी। तंदुरुस्त चाहिए। तो मैं चाहती हूँ दानू को अल्लाह बहुत 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 खुश रखे, कामयाब करे, आमीन, इज्जत दे, आमीन, खुशी से हर चीज से अपना साथ अपना प्यार कायम बना रखे, आमीन।
कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना, देखो ना ये ऐसा भी नहीं हो रहा है कुछ भी। ये उंगली में बिल्कुल हला नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो एकदम सुन हो गए मेरे अंदर से, हिल नहीं पा रहे हो। वापिस एक बार बता मुझे। ऐसा ना हाँ चलेगा, वो भी चलेगा सही है। तो ये हो गया इनको, उन्होंने आज के लिए तो हमें ये कहा है कि दिन रात इसको बिल्कुल भी निकालना नहीं। रात में लगाया था हमने, लेकिन अभी आज से ये वापिस है ना, अभी डायरेक्ट इसको कल सुबह खोलेंगे। कैसा लग रहा है दानू जी, थक गए ना? नहीं नहीं थके नहीं, अभी तेरे को क्या चाहिए खाने पीने? नहीं बाबा मुझे अब भी कुछ नहीं चाहिए। नहीं देख 11:30 हो गए, पिक्चर का नाम क्या दानू? राजा जानी। राजा जानी पिक्चर देख रही हूँ दानिश ने मुझे आज राजा जानी पिक्चर कहा थे, चलो पिक्चर देखते। मैंने पुराने पिक्चर बिल्कुल भी नहीं देखे, लेकिन दानिश ने अभी चलो अभी देखते। दो दिन में तो टकाटक हो जाएगा, लेकिन महीना भर फल है दोनों ब्रांडेड बांधने के। दिन भर चल तू हिसाब से जरूरत होता चल। वो बिस्लरी थी, ये दूसरी थी गिल्ले गिल्ले। हम लोग कहाँ आए पता है? मेरे को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? मैंने वीडियो चालू किया है। ऐसे ही पकड़ूंगी वो पैसा। कहाँ है क्या इसका नाम? गिल्ले। होटल का नाम? लोकमान्य। लोकमान्य क्या सिर्फ लोकमान्य? लोकमान्य होटल पालघर स्टेशन के बाहर। लोकमान्य पे आए हैं क्योंकि मुझे यहाँ का दही वड़ा बहुत पसंद है। तो अभी थोड़ी ना भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि हम पूरी भाजी खाएंगे और दही वड़ा खाएंगे। मैं हालांकि मैं सिर्फ दही वड़े के लिए आई थी कि मुझे यहाँ का दही वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दही वड़े के लिए स्पेशल आए थे। डॉक्टर का सब हो गया है, डॉक्टर के अपडेट में घर पे जाके दूँ। अल्लाह का घर बोल, क्रैक नहीं निकला, फ्रैक्चर नहीं निकला, सब घर पे जाके अपडेट बोला ना मैंने, डॉक्टर के अपडेट घर पे पहुँचने के बाद। चलो आज फाइनली ठंडा पानी पी ही लेती हूँ। नहीं मिलिया हाँ। देव वाली में मिस करता, देव वाली ठीक है बाद में, अभी टाइम है 10:30 ना, तो ज़्यादा हो गए 10:25 10:30 हो गए अभी, और अभी खा पी के फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, ज़रा खुशी हुई, पूरी भाजी आ चुकी है। हमें यहाँ ना एक चीज और लेनी की थी, लेकिन हमें अभी याद आया, पहले ही याद नहीं आया कि प्यान नहीं था ना, हम सिर्फ हॉस्पिटल के हिसाब से आए थे। कैसे? अच्छी है ना, लो ना, बहुत मस्त है। मैं खिला क्या? नहीं खा लिया, गर्म है।
मैंने क्या किया, ला बिल्ला बाटली के अंदर ढक्कन डाल दिया, और हर किसी ने ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, बाटली रीयूज नहीं होती, सही बात ना, मजा भी आई डाल ली। अल्लाह रे, अल्लाह, चलो हमारे यहाँ का खाके हो गया, अभी हम निकलते हैं।